गेहूं हो जाता। नाजरीन दोनों चक्के माशाल्लाह ऊपर आ गए, लेकिन नीचे का हिस्सा। नाजरीन तकरीबन 3 घंटे से हम फंसे हुए यहाँ पे। नफीसा के दोनों गाल लाल लाल हो गए, बेचारी परेशान है। नाजरीन जग हमने लगा दिया है, दूर दूर तक बंदा न बंदे की जात, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मददगार भेज दिया हमारे लिए। मारिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ज़ुबैर अत्तारी मक्की और पिछली वीडियो की दूसरी किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्रिज के नीचे से हम गुजर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेन रोड से हम किनारे हट के चल रहे हैं और शॉर्ट रास्ता हमने इख्तियार किया है क्योंकि आगे से काफ़ी लंबा टर्न था। ये ब्रिज है, इसके नीचे से हम गाड़ी निकाल रहे हैं। नाज़रीन आज की जो वीडियो है, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वादी में क़याम हुआ था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ़ लेके जा रहे थे। गारे सौर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर हुजूर का इस वादी में क़याम रहा और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वादी में पहुँच कर दूर दूर तक आपने नज़र दौड़ाई तो कोई साया नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इस चट्टान के, जो चट्टान हम आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोने का इंतज़ाम फरमाया। इसके साये में दोपहर का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से उतरने के बाद पूरी रात और सुबह से लेकर दोपहर तक सफ़र जारी रहा। इस मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टे होता है। मदीने पाक से तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है और गारे सौर से तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला। नाज़रीन यहाँ गाड़ी हमने रोकी है और इस तरफ एक झील भी है माशाल्लाह। ये चारों तरफ सहरा ही सहरा है, सहरा के बीच में एक झील है खूबसूरत सा और काफ़ी बुलंदी की तरफ इस वक्त हम हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरफ खूबसूरत से परिंदे भी दो बैठे हुए लंबे लंबे टांगों वाले, ये देखें हमने जूम करके दिखाया आपको। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह की मखलूक माशाल्लाह। माशाल्लाह नाजरीन यहाँ पे देखें खूबसूरत परिंदे हैं माशाल्लाह। सऊदी अरबिया के बागात में इस तरह के परिंदे भी होते हैं, देख लें आप। ग्रीन ग्रीन मारिए। करो स्टार्ट। नाजरीन गाड़ी सहारा में बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें लकड़ी वगैरह लगाया, टायर असल काफी नीचे की तरफ बैठ गया है और सोच रहे हैं कि यहाँ पे जग लगा के इसको उठाया जाए। सहारा में है, गाड़ी बुरे तरीके से टायर जमीन में जा चुकी है और नीचे से इंजन बिल्कुल टच हो गया, ये देख रहे हैं जमीन से बिल्कुल मुत्तसिल हो गया इंजन। कोशिश में लगे हैं, सहारा दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात, एक चरवाहा मिला है उससे कुछ मदद मांगी है, बेलचा वगैरह ये लेकर आया है बेचारा। नफीसा भी परेशान है। जी बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा माशाल्लाह।
हो गया बस बस। साहब सरकार उसी की है ना। निकालना पड़ेगा यहाँ से पंपिंग करने के लिए। कर दो बेटा बस एक एक हो गया स्टार्ट। दिखा नजर आ रहा है। नाजरीन जग हमने लगा दिया है, टायर थोड़ा सा ऊपर आ गया, नीचे सपोर्ट लगाएंगे, यही काम दूसरे टायर के साथ करना है। गाड़ी निकल आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा तो हो जाएगा, अल्लाह करेगा तो। असल बहुत बड़ा सहारा है ये, दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मददगार भेज दिया हमारे लिए। तो माशाल्लाह अब इतना काम अपने से तो नहीं होगा। नहीं भाई साहब सब करना पड़ता, इससे तो मैं नीचे से ढुक के निकाल दे। नाजरीन तकरीबन 3 घंटे से हम फंसे हुए यहाँ पे। नफीसा के दोनों गाल लाल लाल हो गए, बेचारी परेशान है। जग हमने निकाल दिया, नीचे ये लकड़ी हमने लगा दी है, ये इसलिए दिखा रहे हैं कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता ये इशू बने इस तरह का, इस तरह इजी आप गाड़ी निकाल सकते हैं। ये देख इस तरह हम लकड़ी पीछे लगाया इसको, और जग वहां से हमने लगाया था निकाल लिया। अब इसके नीचे लकड़ी आ चुकी है, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ के पीछे आ जाएगी। मसला ये कि यहाँ पर हमारी गाड़ी जाम है, इस तरफ देखें ये गाड़ी पूरी यहाँ की ज़मीन से लग चुकी है ना, और आगे का हिस्सा जो है ये बिल्कुल टंग गया है। देखें आगे का हिस्सा बिल्कुल टंगा हुआ है, और यहाँ पे गैप करना, हम यहाँ पर जग लगाएंगे, अभी यहाँ पर हमको जग लगाना है, इस हिस्से में यहाँ पे जंग लगेगा। लाओ दे दो, पकड़ो पकड़ो। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा कवर के नीचे मट्टी निकाल देता हूँ। कवर के हो जाता। नजरीन दोनों चक्के माशाल्लाह ऊपर आ गए, लेकिन ये हिस्सा दबा हुआ है मट्टी के ऊपर, ये फंस गया ये हिस्सा देख रहे हैं, और इसके काटने का सिलसिला जारी है। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा रह गया बस। बस बस बाबू बस, लकड़ी डाल दो नीचे उसके, बस लकड़ी लगा रहे हैं भाई। वो खीला वाला नीचे रखना, ठीक है ठीक है। नहीं साइड में ये रहेगा मट्टी में। लाइन लाइन वेरी नाइस, ये तो निकाल दो। नीचे का हिस्सा बस वही हिस्सा पकड़ा हुआ, खुदा ने क्या बनाया है सऊदी के अंदर। ये ले बेटा
सारा चल गई है गाड़ी। हाँ? गाड़ी चल गई, जगह छोड़ दिया नीचे की थोड़ा। नाज़रीन माशाल्लाह हमारी गाड़ी निकल चुकी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और काफी रेत रेत मट्टी मट्टी जिस्म हो गया है और इस बंदे का बड़ा किरदार है, जबरदस्त। अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।